हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है डीप इमोशंस। आपके पर्सन के आपके लिए डीपेस्ट इमोशंस क्या हैं? ठीक है, डीपली वो उस कनेक्शन के लिए और आपके लिए क्या फील करते हैं? ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इसमें सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। ओके, सब गिरते रहते हैं ये। ठीक है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के डीपेस्ट इमोशंस, आपको लेकर उनके इन डेप्थ इमोशंस क्या हैं, क्या सोचते हैं, क्या कितने इमोशनल हैं वो आपको लेकर, लेट्स सी। ठीक है, प्लीज एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के पर्सन के डीप इमोशंस। इनके पर्सन मेरे व्यूअर को लेकर क्या सोचते हैं, कितना कितने इमोशंस रखते हैं, इमोशनल है भी या नहीं। ठीक है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के डीपेस्ट इमोशन। मैसेज इन अ बॉटल, आपके पर्सन यहाँ पर आपको कुछ कहना चाहते हैं काफी टाइम से, ठीक है, जो कह नहीं पा रहे। कोई जैसे लव लेटर होता है ना, कि जैसे अपनी पूरी कहानी एक्सप्लेन करना, लिखना, आप लोग के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, इस पर्सन के बानिस्बत यहाँ पे कोई ना कोई डिस्टेंस आप लोग के बीच क्रिएट हो चुका है। ऐसा हो सकता है आपके पर्सन को ऐसा महसूस होता है या फील होता है, कुछ आपको बताना लाजिम है, कुछ आपको बताना ज़रूरी है। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के डीपेस्ट इमोशन। और फिर चीज़ें एंड हो चुकी हैं आप दोनों के बीच, एक एंडिंग है, स्ट्रॉन्ग एंडिंग है। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है नेवर एंडिंग स्टोरी। ठीक है, ये कभी भी स्टोरी ख़त्म नहीं हो सकती, ये कभी भी चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती, एंड नहीं हो सकती। ठीक है, अब आपके पर्सन ऐसा लगता है मुझे पास्ट में फियर नहीं थे। ठीक है, जब चीज़ ये ख़त्म हो गई, जैसे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्राई एनर्जी आ गई, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आ गई। ठीक है, बहुत एक ड्राइनेस आ गई आपके कनेक्शन में, जैसे एक जैसे एक ब्राइटनेस थी ना, वो एक ग्रे टाइप एक एनर्जी आ गई, जैसे बहुत ज़्यादा ना अब आपको होप रही है, ना अब आपके ऐसे अरमान रहे हैं, जैसे आपको ऐसा लगता है चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती। जैसे यहाँ पर चीज़ों के अंदर कोई 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 आपको होप, आपने होप खो दी है। ठीक है, जब होप लूज करने के बाद इस पर्सन को ऐसा लगता है कुछ ये आपको मैसेज लिखे जिसमें आपको कोई कोई एक्सप्लेनेशंस दे। ठीक है, कुछ एक्सप्लेन करे आपको, इस वक्त नीड है इस कनेक्शन में किसी एक्सप्लेनेशन की। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लगता है अगर ये पर्सन फेयर हो गया, टू बी फेयर, अगर ये पर्सन बैलेंस कर देता है तो नेवर एंडिंग स्टोरी, मतलब कि ये स्टोरी ख़त्म नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पे एंड नहीं है, चीज़ों की एंडिंग नहीं है, चीज़ों की यहाँ पर डिस्टर्ब सिचुएशन नहीं है। ठीक है, टू बी फेयर, ये पर्सन जानता है अब ये कनेक्शन, ये सिचुएशन डिमांड कर रही है एक फेयर, ठीक है, एक फेयर कम्युनिकेशन, एक फेयर, जो भी यहाँ पर जिसकी वजह से भी यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन इस पर्सन ने कभी आपको दी नहीं है ना, अब वो टाइम है, ये वक्त डिमांड कर रहा है उस चीज को। ठीक है, डीपेस्ट इमोशन आपके पर्सन के, वाई। आपके पर्सन के अंदर भी क्वेश्चन है कोई ना कोई, वाई, आई डोंट नो, ये वाई का क्वेश्चन आपके अंदर, आपके पार्टनर के अंदर क्यों आया है। थिंकिंग, आपके पर्सन बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवर एनालाइज करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, लेकिन आपके पर्सन देखिए, सोचने के बाद आपके पर्सन को एक चीज का अंदाजा हो रहा है, मेडिटेट किया है आप दोनों के बीच, जो सेपरेशन आया, आपने पर्सन आपने आपके पार्टनर ने बहुत ज्यादा थिंकिंग करी है, बहुत ज्यादा सोचा है, बहुत ज्यादा हर तरीके से सोचा इस कनेक्शन के बारे में, बहुत ज्यादा एक रिलैक्स रहकर आपके पर्सन ने हर हर एस्पेक्ट से सोचा है। ठीक है, बिटवीन द वर्ल्ड, मतलब कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है यहाँ पर पास्ट में आपके पार्टनर को कोई होप नहीं थी इस कनेक्शन में, या पास्ट में आपके पर्सन की तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं था, या आप पास्ट में आपके पर्सन को लगता नहीं था कोई एक ब्राइटनेस है या इस कनेक्शन में, या कभी आ सकती है। लेकिन इस टाइम फ्रेम में जैसे आपके पर्सन यहाँ पर अपनी डार्कनेस से, या अपनी जो होप आपके पर्सन जो रखते नहीं थे, मतलब कि डिफरेंस देख पा रहे हैं। आपके पर्सन को होप होती है, या तो आपके इस टाइम फ्रेम पे या पर्सन ये लव फील कर रहा है आपके लिए, तभी इसी तरीके से सोच रहा है जो पास्ट में कभी सोच नहीं पाता था, लेकिन अब आपके पर्सन की फीलिंग्स में चेंज आ रहा है। पहले ये पर्सन इंटरेस्ट नहीं लेता था, वैल्यू नहीं देता था, अंडरस्टैंड नहीं करता था, बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं था। ठीक है, अपने तरीके से रहता था, क्योंकि इसको चाहिए नहीं था ये सब कुछ, ये कनेक्शन की नीड नहीं थी इसको, ब्रीथ। ठीक है, बहुत ब्रीथ वाली एनर्जी है, बहुत मेडिटेट वाली एनर्जी है, बहुत पीस वाली एनर्जी है, मतलब कि इसने बहुत सब्र और तहमुल से जो एक सेपरेशन आया है,
बहुत सोचता रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है, अब क्यों चाह रहा है ये कनेक्शन को बिटवीन द वर्ल्ड से, मुझे समझ में आ रहा है बीच से थिंकिंग से, अब ये आपको क्यों पसंद कर रहा है, इसने पहले ऐसा क्यों नहीं सोचा, क्योंकि पहले ही आपके साथ कुछ नेगेटिव बिहेवियर दिखा चुका है, कुछ ना कुछ इस कनेक्शन को बुरे तरीके से ट्रीट कर चुका है, अब ये सोचता है वाई, अगर ये अब हुआ है तो पहले क्यों नहीं होना था, ठीक है, अगर आप ही राइट पर्सन थे तो यूनिवर्स ने आपकी तरफ इस पर्सन को पहले क्यों अट्रैक्ट नहीं करा, या पहले क्यों कनेक्ट नहीं करा, इस पर्सन के डीपेस्ट इमोशन है ये, कुछ एक्सप्लेनेशन है जो आपके पास आने वाली है, ठीक है, नेवर एंडिंग स्टोरी, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कभी भी ना ख़त्म होने वाली स्टोरी है, आप लोग एक एक साइकिल में स्टक हैं, आप लोग बार बार एक दूसरे के साथ चीज़ें स्टार्ट करते हैं, फिर आप लोग बिना कुछ लिए दिए चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, डिस्टेंस आ जाता है, ऑल द ग्लिटर, ठीक है, ये पर्सन पास्ट में अपनी लाइफ की बहुत चमक के पीछे भाग रहा था, ग्लिटर जो जो मैस्मराइज करने वाली चीज़ें थी, मनी, पैसा, लग्जीरियस लाइफ, उन सब चीज़ों के पीछे भाग रहा था, क्योंकि पास्ट में इस पर्सन को उस चीज़ की नीड थी, अब सब कुछ अचीव कर लिया है तो अब इसको अब आप वापस चाहिए, ठीक है, अब आपके अब आप जो उस पर्सन को प्यार दे रहे थे, लव दे रहे थे, वो उसको चाहिए मिल्क एंड हनी, बहुत ज़्यादा जैसे आपके साथ ये रेमबो कलर इंजॉय करना चाहता है, एक पीसफुल सिचुएशन बनाना चाहता है, देखिए ये कनेक्शन इस पर्सन को ब्लेसिंग्स की तरह लगता है, न्यू लाइफ की तरह लगता है, जब आप इसकी लाइफ में नहीं होते तो ये बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, ठीक है, वाई, बहुत ज़्यादा सवाल करता है कि क्यों ये आपसे इतना कनेक्टेड फील करता है, क्यों आप इसके लिए इतना ज़रूरी है, क्यों आपसे ये रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकता, क्यों ख़त्म होकर भी आप इसकी लाइफ से नहीं जाते, वाई, ठीक है, न्यू लाइफ आपके साथ कुछ स्टार्ट करना चाहता है, आपको अपनी ज़िंदगी की ब्लेसिंग्स की तरह लेता है, इसके डीपेस्ट इमोशन है, आप इसकी लाइफ में जब से आए इसकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स आएंगे, इसने बहुत अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करा है, बहुत कुछ अर्न करा है, बहुत कुछ बनाया है, इसकी असली पर्सनैलिटी या असली असली सेल्फ इसने अपना आपके आने के बाद देखा है, इसके अंदर क्या क्या एबिलिटीज़ हैं, कितना क्रिएटिव है या ये क्या कर सकता है, ठीक है, टिकटॉक कुछ यहाँ पर वेटिंग गेम है, जैसे वक्त का खेल है यहाँ पर, डिवाइन टाइमिंग, यहाँ पे आप लोग को डिवाइन टाइमिंग चल रहा है, देखिए राउंड एंड राउंड एंड पीस, आप लोग बहुत बार एक दूसरे से मिले हैं और बहुत बार एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हुए हैं, आप लोग फिर मिलते हैं और फिर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, फिर आप लोग एक दूसरे के सामने आते हैं, फिर आप लोग एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, मतलब एक राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, पीस यहाँ पर अभी पर्सन चाहता है ये सब चीज़ें ख़त्म हो, एक पीस क्रिएट हो, ठीक है, या आप लोग का मिलना बिछड़ना, सेपरेशन, मिलना बिछड़ना, आप लोगों ने रिलेशनशिप इंजॉय नहीं करा क्योंकि ये इंटरेस्टेड ही नहीं था इतना, ठीक है, आप वो सब कुछ इंजॉय ही नहीं कर पाए जो आपको करना चाहिए था, जो एक रिश्ते में आकर जो एक दूसरे को पीस मिलता है, देखिए शायद यहाँ पर आप सोलमेट हो सकते हैं, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पास इस पर्सन के दिल की चाबी है, ठीक है, आप इस पर्सन की लाइफ में सब कुछ लेकर आते हैं, पीस लेकर आते हैं, दी फेथ, ये आपके ऊपर फेथ करता है, हायर पावर्स को ऐसा लगता है डिवाइनली गाइडेड है ये कनेक्शन, ठीक है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है ये पर्सन, डिवाइन की तरफ से मिला मैंडिंग, एक मैंडिंग वाली एनर्जी चाहता है, फोक इन द रोड, आप लोग के बीच बेहद कंफ्यूजन आ चुकी है, बेहद डिस्टेंस आ चुका है, लेकिन इसको लगता है ये ब्लास्ट कनेक्शन, आप लोग के बीच एक न्यू लाइफ, चीज़ें आप लोग के बीच बहुत अच्छी स्टार्ट होंगी, चीज़ें, ठीक है, ऑब्जर्वर, ये पर्सन आप लोग के बीच चाहे डिस्टेंस है, अभी आप लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, पर्सन ऑब्जर्वर की तरह ऑब्जर्व कर रहा है आपको, ठीक है, कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर डिफरेंसेस देख पा रहा है, देखिए अनफिनिश सिम्फनी, इस पर्सन को यकीन है कि ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, अनफिनिश सिम्फनी, क्योंकि अब इसको अब ये फेथ करना चाहता है, क्योंकि अब ये आपको अपने लिए इम्पोर्टेंट समझता है, आपकी वैल्यू समझ रहा है, आपको लव करता है, जब इंसान किसी चीज़ को बहुत उसको प्यारी और अजीज हो जाती है, वो वहाँ पर फेथ भी करता है ये मुझे मिलेगी, ठीक है, तो अब फेथ देख पा रही हो, अनफिनिश सिम्फनी, इसको ऐसा लगता है कभी ना ख़त्म होने वाली स्टोरी है ये, ठीक है, फ्लेक्सिबल, अगर ये पर्सन पास में फ्लेक्सिबल नहीं था तो आपके लिए फ्लेक्सिबल होना चाहता है, ठीक है, यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर कुछ फ्लेक्सिबल होना चाहता है, चॉप वुड, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है नेवर एंडिंग स्टोरी के साथ, बहुत ऐसे समझ आ रही है, हर चीज़ को समझ रहा है इस पर्सन, एक पर्सन लॉयल हार्ट आपके लिए लॉयल होना चाहता है, बहुत ज़्यादा लॉयल और ऑनेस्ट, देखिए यहाँ पर है सोलमेट लॉयल हार्ट, ये पर्सन आपके लिए लॉयलिटी ऑनेस्टी दिखाना चाहता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स, आप लोग के बीच अभी भी कोई ना कोई ब्लॉकेजेस एनर्जी जो वक्त के साथ ख़त्म होगी, इस पर्सन को ऐसा लगता है यहाँ पर जैसे ये वक्त के साथ ख़त्म होगा, टाइम टू गो, जो टाइम आप लोग का डिस्टेंस से गुजरना है वो गुजरना है, सरेंडर पिटी, आप दोनों ने सरेंडर कर दिया इस कनेक्शन को, आपने भी और आपके पर्सन ने भी, ठीक है, आप भी सरेंडर कर चुके हैं, लेकिन जो वक्त गुजरना है ऐसा वो गुजरेगा, क्लैरिफाई बिल्डिंग ब्लॉक्स,
पॉइज्ड. आपको कहा जा रहा है बिल्डिंग ब्लॉक्स, इसलिए आप लोग अपनी अपनी जगह ही लो, ठीक है, बाय द बुक. एक दूसरे के ट्रेडिशंस को समझें, एक दूसरे को समझें. टाइम फॉर अ नैप, बिल्कुल यहाँ पर आप लोग को कहा जा रहा है, ये आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है ना, टाइम फॉर अ नैप, यहाँ पर एक नैप लेने के लिए टाइम दिया गया है यूनिवर्स की तरफ से. टाइम फॉर अ नैप, ठीक है, टाइम टू गो. जो टाइम गुजर रहा है उसको गुजरने दें, वो लेट गो करने दें उन सब चीज़ों को, ठीक है, वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है. लेकिन ये पर्सन एक डीप इन डेप्थ लॉयल हार्ट, एक लॉयलिटी आपके लिए फील करता है, ये आपके लिए लॉयल रहना चाहता है, सोलमेट. आप इस पर्सन के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट, एक कंप्लीट पर्सन है, ये आपको बहुत एक कंप्लीट एनर्जी में देखता है, एक सोलमेट काइंड वाइफ है. डीपेस्ट इमोशन इस पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के, आपके लिए डीपेस्ट इमोशंस क्या है, ठीक है, डीपली ये पर्सन आपके लिए क्या फील करता है. आप लोग के बीच काफ़ी ज़्यादा स्टकनेस आ चुकी है, बहुत ज़्यादा स्टक हो चुका है आपका कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे के बीच, यहाँ पर एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश, या तो इस पर्सन ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश बेहद की, इस पर्सन ने आपको स्टार्टिंग से मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, आपको अपने तरीके से टेन करने की कोशिश करी, ठीक है, ये आपको स्टार्टिंग से कंट्रोल करना चाहता था. आपका क्या था, आप प्यार करके कंट्रोल करना चाहते थे, आप ये नहीं चाहते थे, आप चाहते थे आप इतना प्यार करें, आप इतना कनेक्टेड रहें, आपका रिश्ता इतना अच्छा हो, इन डेप्थ हो, इतना डीप डाउन आप लोग रूट से कनेक्टेड हो, ये पर्सन आपको छोड़ के ना जा सके, ठीक है. और ये पर्सन यहाँ पर ऐसी साइकिल चला रहा था आपको मैनिपुलेट करने की, आपको प्यार ना देना चाह रहा था, ना बताना चाह रहा था, बस आपको स्टक करके अपनी लाइफ में रखना चाह रहा था, ठीक है. मेंटली स्टकनेस इस कनेक्शन में, बेहद स्टकनेस रही है और स्टक हुआ हुआ, ठीक है, खुद को बंधा हुआ फील कर रहा है ये बंदा, खुद को बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहा है, तभी मुझे ऐसा लग रहा है ये आपको फेस नहीं कर पा रहा. आपको कोई मैसेज इन अ बॉटल, कोई मैसेज टाइप करके आपको मिल सकता है, ठीक है, जो ये कहना चाह रहा है ना आपसे, जो एक्सप्लेनेशन देना चाह रहा है, वो कभी लिख कर टाइप कर कर आपको सेंड कर सकता है, क्योंकि आपको एक सोलमेट की तरह देख रहा है पर्सन, ठीक है, बिल्कुल एक्शन तो लेना चाहता है आपकी तरफ. अगर कोई एक्शन नहीं ले रहा तो एक्शन लेना चाहता है ये पर्सन स्ट्रॉन्ग. यहाँ पर जस्टिस, कोई इस पर्सन को ऐसा लगता है यहाँ पर जस्टिस होना चाहिए, यहाँ बैलेंस होना चाहिए, खुद को हील कर रहा है इस टाइम फ्रेम पे, लेकिन यहाँ पर जस्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. यहाँ पर बहुत ज़्यादा थ्री ऑफ पैंटिकल की एनर्जी है, अपने पैंटिकल्स पे बिजी है, बना रहा है, पैंटिकल्स पे काम कर रहा है. अगर आपके साथ कनेक्शन नहीं है तो स्लीपलेस नाइट है, खुश खुश तो नहीं है, ठीक है, आपको स्ट्रांग अपनी पावर में दिख रहा है, आप हील हो रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, इस कनेक्शन से डिटैच हो रहे हैं, बिल्कुल सोलमेट काइंड एनर्जी है पर्सन. देखिए स्ट्रांगली आपको सोलमेट समझता है, आपको एक्सेप्ट कर रहा है. अगर पास में पर्सन ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं करता था, आपका कनेक्शन कोई यूं ही नहीं बना हुआ, आप लोग के बीच कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है, आप लोग स्टार, जैसे स्टार्स में लिखा हुआ था आप लोग के साथ कनेक्ट होना, काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है. पास में पर्सन बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव था, बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, बहुत ज़्यादा जैसे नेगेटिव एनर्जी रही है, समझने को तैयार नहीं था आपको, आपको वो देने को तैयार नहीं था जो आप चाह रहे थे. अब आप जो दूर हुए ना, आपने जैसे एक्सेप्ट करा है, सरेंडर करा है और एक्सेप्ट करा है, जो हो रहा है ठीक है, नहीं आना चाह रहा, आप नहीं बुलाना चाह रहे, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुका है, क्लैरिटी मिल रही है उसको, ठीक है. आपने जब से जैसे लेट गो करा है ना, आपने बोला ठीक है जो करना है करो, उसके बाद से उस पर्सन को समझ में आ रहा है नहीं, ये ऐसे ही आप वापस नहीं आते थे, ऐसे ही ये कनेक्शन बना हुआ नहीं था, आप लोगों का कनेक्शन है, ठीक है. क्लैरिफाई मैसेज इन अ बॉटल. देखिए टू ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको कोई ना कोई मैसेज देना चाहता है, एक लविंग मैसेज, ठीक है, जिसमें एक्सप्लेनेशन हो, मैंने क्या कहा, जिसमें कन्फेशन हो, एक्सप्लेनेशन हो, कुछ एक्सप्लेन करना चाहता है, कुछ आपको बताना चाहता है, एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन हो जिसमें कुछ आपको बता सके, ठीक है. बहुत सोच रहा है कैसे सक्सेसफुल होगा ये मैसेज लिखने पे, या आपको ये मैसेज देने पे, इसकी डीपेस्ट डिजायर है, डीपेस्ट इमोशंस हैं इसके जो आपको ये बताना चाहता है. क्लैरिफाई और फ्रेंड्स, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है वॉक अवे, आप यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है, आप इस कनेक्शन से डिसकनेक्ट हो रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन ने बहुत हद से ज़्यादा यहाँ पर आपके साथ जैसे कोल्ड बिहेवियर रखा, आपको समझने की कोशिश नहीं करी हद से ज़्यादा, ठीक है, मतलब कि बहुत आपके साथ जब भी बात हुई है, आर्ग्यूमेंट हुई है, कोई ना कोई लड़ाई हुई है, कोई ना कोई जैसे लगता ही नहीं कि आप दोनों दूसरे को चाहते हैं, एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात होती है. क्लैरिफाई व्हाई. हाँ, जैसे आप आपके जाने के बाद काफी ज्यादा एक अफसोस में है, फीलिंग ऑफ लॉस में, वो अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है कि जब ये सब कुछ होना था, जब ये कनेक्शन का
इस कनेक्शन की आपके जाने के बाद क्लैरिटी मिल रही थी, पहले क्यों नहीं मिली, ये पहले बैलेंस क्यों नहीं कर पाया, ठीक है, ये पहले आपको वो क्यों नहीं दे पाया, आपके लिए इमोशंस पहले क्यों नहीं फील कर पाया, बहुत इमोशनल लॉस है, बाद में जाके फील हो रहा है कि हाँ ये आपसे लव करता है, इसमें इस कनेक्शन में खाली आप नहीं थे, ये भी था, पहले इसको ऐसा लगता था आप एक वन साइडेड कनेक्शन है, ठीक है, आप वन साइडेडली यहाँ पर सब कुछ कर रहे हैं, क्लैरिफाई नेवर एंडिंग स्टोरी, डीपेस्ट इमोशंस, तो ये दोनों साथ आए, ठीक है, किंग ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ पैंटिकल, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी आपके बिना, नेवर एंडिंग स्टोरी, ये पर्सन इतने इमोशंस फील कर रहा है आपके लिए, ये फेथ कर रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर ये अकेला नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ यहाँ पर मिरेकल होगा जो आप लोग एक साथ वापस आएंगे, ठीक है, यहाँ पर ये वेट कर रहा है आपका यहाँ चीज़ों को ठीक होने का, ठीक है, फाइव ऑफ पेंटिकल के साथ बहुत है, जैसे लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में है, इमोशंस बेहद फील कर रहा है, लेकिन अब आपके आने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, फीलिंग ऑफ लॉस है, डिटैचमेंट है, जैसे आप एक लॉस, एक जैसे इसने किसी को लॉस कर दिया अपनी लाइफ में, अब इसको असली जैसे नुकसान महसूस हो रहा है, इसने क्या नुकसान किया अपना, ठीक है, क्लैरिफाई मिल्क एंड हनी, आपको बहुत ज़्यादा फोकस दे देख रहा है अपने अपनी लाइफ में, आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस हैं, आप इस ड्रामे में पढ़ना नहीं चाहते, ठीक है, आप इमोशंस रखते हैं लेकिन बहुत एक स्टेबिलिटी वाली एनर्जी, आप स्टेबिलिटी को जैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब आप यहाँ पर अपने इमोशंस को हावी नहीं कर रहे, आपने आप अपने यहाँ पर पैंटिकल्स पे बहुत ज़्यादा बिजी हैं, ठीक है, यहाँ पे आपने पैंटिकल्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, यहाँ पे पैंटिकल्स वाली एनर्जी है, इमोशनल ये पर्सन भी है, देखिए यहाँ पर किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों काउंटर पार्ट हैं, वहाँ पर टू ऑफ कप्स सोलमेट, लॉयल हार्ट, बहुत चीज़ें सिंपल हैं, ये पर्सन कंफ्यूज है एक्शन ले या ना ले, ठीक है, टिकटॉक की एनर्जी, ये पर्सन सही टाइम का वेट कर रहा है, जगल कर रहा है, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, इसका ड्रीम है आपके साथ टेन ऑफ कप्स का, ठीक है, एक्शन तो लेना चाहता है आपकी तरफ लेकिन कन्फ्यूज है, समझ नहीं आ रहा एक्शन ले या ना ले, अभी भी ले या ना ले, क्लैरिफाई सोलमेट, ये मैनिफेस्ट कर रहा है आपको अपनी लाइफ में, यहाँ पे है आया है कार्ड मैजिशियन, ठीक है, ये मैनिफेस्ट कर रहा है आपको अपनी लाइफ में, चीज़ें दोबारा से स्टार्ट, बहुत हायर सेल्फ से कनेक्टेड है, क्या डिसीजन मेकिंग ले, अपने कनेक्ट अपने अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होके यहाँ पर ये जानना चाह रहा है क्या डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए, या तो इस पर्सन या तो आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया, यहाँ पे हाई प्रेशर्स आप नज़र आ रहे हैं, आप में वेट बहुत किया इस पर्सन का, ठीक है, मैनिफेस्टेशन आपकी तरफ से स्ट्रांगली बहुत है, क्लैरिफाई ऑब्जर्वर, लग रहा है आपको ये पर्सन जा रहा है, भाग रहा है, सिक्स सेवन ऑफ सोट के साथ, लेकिन ये ऑब्जर्व कर रहा है आपको, कहीं ना कहीं दूर से देख रहा है, बहुत बर्डनसम सिचुएशन है, स्टॉकिंग स्ट्रॉन्गली स्टॉकिंग एनर्जी चल रही है, आपको कहीं ना कहीं से नजर रखा हुआ है, ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, आपकी एक 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 चीज पे नजर है इस पर्सन की, कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्गली स्टॉक कर रहा है आपको, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, एक एक लम्हे की, लम्हा वाला लम्हा इसको फिक्र है, इसको खबर है, ठीक है, फ्लेक्सीबल, क्लैरिफाई फ्लेक्सीबल, हाँ कार्मा फेस करा है इस पर्सन ने, स्ट्रॉन्ग कार्मा फेस करा है, ठीक है, कार्मिक सिचुएशन में रहा है ये पर्सन, कार्मा फेस कर कर आ रहा है, हार्ट ब्रेकिंग है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, अब फ्लेक्सिबल होना चाहता है, पास्ट में फ्लेक्सिबल नहीं था, पास्ट में बेहद रिजिड था, किसी कार्मा को फेस कर रहा है, बहुत सोच समझ कर आपकी तरफ आ रहा है ये पर्सन, ठीक है, आप इसको एक बैलेंस पर्सन नजर आ रहे हैं जो कार्मा इसने फेस करा है, क्लैरिफाई चॉपवुड, ठीक है, बहुत हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, कार्मिक एनर्जी को फेस कर कर आ रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, समझ रहा है, इसने किस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करा, जैसे अब लोगों को एक्सपीरियंस कर लिया तो आपकी वैल्यू का अंदाज़ा उसके बाद हो रहा है, ठीक है, और आप यहाँ से जब तक के डिटैच हो चुके हैं, वॉक अवे सीन पर हैं, क्लैरिफाई चॉप फूड, क्लैरिटी मिल चुकी है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, आप इसकी लाइफ की हैप्पीनेस हैं, आप इसकी लाइफ की खुशियां हैं, ठीक है, क्लैरिटी है, एक न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाहता है, आपको सिंगल देख रहा है, इंडिपेंडेंट देख रहा है, अपने डिसीजन मेकिंग आप खुद कर रहे हैं, आप डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, मतलब कि देख रहे हैं आप बहुत ज़्यादा खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, डिपेंड नहीं है, इसको भी क्लैरिटी है, आपके साथ एक बिगनिंग करनी है, आपके एक साथ एक लाइट एनर्जी में आना है, आपके साथ अपने इमोशंस को बताना है, ठीक है, लॉयल हार्ट, बहुत विजडम से यहाँ पर आप काम लेना चाहता है, अपने विजडम को सुन रहा है, आपके साथ एक लॉयल लॉयल कनेक्शन बनाना चाहता है, एक लॉयलिटी के साथ आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, देखिए यहाँ पे मैरिज के बारे में सोच रहा है स्ट्रांगली, आप जिस मैरिज का वेट कर रहे थे, जिन चीज़ों का वेट कर रहे थे, पर्सन वो चीज़ अब आपको प्रोवाइड करना चाहता है, क्लैरिफाई बिल्डिंग ब्लॉक्स, क्लैरिफाई बिल्डिंग ब्लॉक्स, स्टॉकिंग सर्चिंग की एनर्जी है, ब्लॉकिंग एनर्जी है, बैलेंस करना इतना आसान नहीं है जितना
सिर्फ यहाँ पर दिखता है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है बहुत मुश्किल हैं, बहुत इसने बुरे तरीके से आपको ब्लॉक किया था, मतलब कि यहाँ पर इसने ऐसे आपको बार बार अपने दरवाजे से भगाया था या बाहर निकाला था, ठीक है। तो बहुत अब ब्लॉकेजेस बन चुकी है, इतना आसान नहीं है इस कनेक्शन की ब्लॉकेजेस को रिमूव करना। अब इसके लिए इसको पता है इसने क्या किया है आपके साथ, ठीक है। आप इसको बार बार एक स्टेबिलिटी ऑफर देते थे, आप इसके साथ खुश रहना चाहते थे, इसने जो इसका रिजेक्ट करने का तरीका था वो बहुत पेनफुल था, मतलब कि खुद भी सोचता है तो उसको ऐसा लगता है कि इंसल्ट, बुरे तरीके से इंसल्ट करना किसी को, बहुत ज़्यादा जैसे डिग्रेड फील कराना, क्योंकि ये पर्सन जहाँ कार्मिक में अटैच था, अट्रैक्ट था, वहाँ पर इसको बहुत गुड गुड लग रहा था सब कुछ, ठीक है। इसको लग रहा था मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब इसको पता चल रहा है कि वहाँ पर क्या था। अब वापसी के दरवाजे ये बहुत बुरे तरीके से बंद करके गया था, जैसे मिसबिहेवियर, आपके साथ अब्यूजिंग करना, गलत तरीके से आपके साथ ट्रीट करना, आपको बाहर निकाल देना, मतलब कि मुंह पे दरवाजे बंद कर देना, जैसे आप दरवाजे के बाहर खड़े हैं आने के लिए इसके पास, और इसने अपने से दिल के दरवाजे, मुंह पे दरवाजे बंद कर, जैसे तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है मेरे घर में या मेरे दिल में, यहाँ से निकल जाओ। जैसे आपने लिटरली आपने बैगिंग की, आपने जैसे गिड़गिड़ाए आप इससे कि आपके प्यार को समझने की कोशिश करें, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए। हायर पावर, आप फेथ रखें अपनी लाइफ में, आपके पास जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, आपको आपको डिवाइन ने सेव किया हुआ है। हायर पावर यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिवाइन का रोल है, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, फेथफुल, आप यहाँ पर फेथ रखें। हेयर एंड नाउ आपकी इंट्यूशन कह रही है, आप उसको सुने, और अगर कोई रेड फ्लैग्स है तो आप उसको देख सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा अलाइन हो चुके हैं यिंग, और जैसे आपकी यहाँ पर मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस किया जा रहा है। टू बी फेयर, देखिए अपने साथ आपको फेयर करना है, चीज़ों को फेयर रखना है, आपको यहाँ पर अपने साथ गलत नहीं होने देना। मेंडिंग, मेंडिंग आप इस पर्सन के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने साथ भी करनी है, एक बैलेंस बनाए अपने अंदर। टाइम फॉर अ नैप, लेकिन ये टाइम इसके साथ मेंडिंग बनाने का नहीं, खुद के साथ मेंडिंग बनाने का है। खुद को हील करें, अपने लिए आप टाइम लें, अपने लिए स्पेस लें, और अपनी लाइफ में आप इंजॉय करें, ठीक है। इतना मत सोचें इस कनेक्शन के बारे में, जिसने आपको कुछ नहीं दिया आप उसको कुछ देने के लिए मत भागें, आप अपनी जगह ठीक है, ठीक है। आपको अपने साथ बैलेंस करना है, आपकी ये जो मेंडिंग है आप अपने साथ एक बैलेंस बनाएं, जिसको आपकी तरफ आना होगा वो एक्शन लेगा, क्योंकि आपने भी तो लिया था ना, जिसको आपके लिए कुछ करना होगा वो खुद करेगा, क्योंकि आपने भी किया था, बात खत्म, ठीक है। इस वीडियो को ऊपर रखिए, अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दोबारा मत भूलें, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।